अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स टू आर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अब्रार, एम एस एम डी मुलतविया। तो हम सैदला की क्लास में आज पढ़ेंगे तरशीह के बारे में। तरशीह एक सैदली असलाह है, इसका क्या मतलब होता है, किस मायने में ये इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में हम यह डिस्कस करेंगे। तरशीह का जो कॉमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो तरशीह का मतलब होता है टपकाना, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है परकोलेशन। किसी दवा को पिघलाकर उसको किसी दूसरे लिक्विड में डाल देने के अमल को हम तरशी कहते हैं। ऐसा हम आमतौर पर क्यों करते हैं? ऐसा आमतौर पर तस्फिया की गर्ज़ से किया जाता है, यानी कि दवा को साफ़ करने की गर्ज़ से। दवा जब हमें रॉ फॉर्म में मिलती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा कसाफतें इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं, तो इन्हीं इम्प्योरिटीज़ डस्ट वगैरह से दवा को साफ करने के लिए उस पर तरशी का अमल किया जाता है। ख़ास तौर पर वो दवाएं जो रालदार होती हैं, जो गमी हमारी दवाएं होती हैं, जो गम्स यूनानी में इस्तेमाल होती हैं, उनमें क्या होता है, गम्स जब वो लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसके साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, तिनके वगैरह, और जो एन बर्ड्स के या फिर कुछ इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स वगैरह उसके साथ चिपक जाते हैं। तो ये जो कसाफतें उसके साथ जमा हो जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ उसमें शामिल हो जाती हैं, उन्हीं से इसको मुसफ़ा करने के लिए, यानी कि उन्हीं कसाफतों से इसको साफ़ करने के लिए उस पर हम तरशी का अमल करते हैं। किस तरह से किया जाता है कि हम पहले तो दवा को पिघला लेते हैं, और फिर दवा को पिघलाने के बाद उसको हम पानी में डाल देते हैं। तो पानी में डालने से क्या होता है, वो कसाफतें, वो इम्प्योरिटीज़ जो उस दवा में सस्पेंड रहती हैं, वो पानी में पहुंच जाती हैं और उस दवा से अलग हो जाती हैं। और फिर क्या करते हैं, जो ठंडा होने पर जब हम गर्म दवा को पानी में डाल रहे हैं तो वो कुछ देर बाद ठंडी हो जाएगी। ठंडा होने पर जो हमारी पिघली हुई दवा थी वो दोबारा से जम जाती है, दोबारा वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी, कसाफतें थी, वो तो या फिर उस पानी की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं। अगर उन इम्प्योरिटीज़ का स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो वो ऊपर आ जाएंगी, और अगर वो वजनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उनका ज़्यादा है, तो वो ज़ेरी सतह पे बर्तन के बॉटम में जमा हो जाती हैं। इस अमल में रकीब और सयाल दवा को, एक तो ये हो गया तरशी का मतलब, और दूसरा हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, किस मायने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस मायने में भी इस्तेमाल करते हैं कि एक रकीक या सयाल दवा, कोई भी लिक्विड हमारे पास दवा है, उसको किसी सुराखदार, यानी कि एक मोटा कपड़ा इस तरह का हो जिसमें पोर्स हों, छोटे छोटे मोटे कपड़े में, या फिर हम फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं। फ़िल्टर पेपर में क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर से उस लिक्विड दवा को टपका कर छाना जाता है, तो ये भी तरशी कहलाता है। इससे क्या होता है, ये भी दवा को साफ़ करने के लिए होता है। इससे वो सयाल दवा या ये लिक्विड दवा साफ़ हो जाती है, और उसमें जो कसाफत होती है, जो मोटे मोटे उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, वो कपड़े के ऊपर या हम फ़िल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो रह जाती है। तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तरशी का मतलब टपकाना, परकुलेशन, ये दवा को साफ़ करने की गर्ज से हम कर रहे हैं। किस तरह से ये हम कर रहे हैं, हमने आपको समझा दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।